ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेबी का फाइनल ऑर्डर ऑन कारवी स्कैम। तो सबसे पहले तो यहां पे कारवी जो ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी उसने स्कैम किया था, उसके बारे में बात बताऊंगा। और आपको यहां पे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो ये जो कंप्लीट केस स्टडी है वो आपका जानना बहुत जरूरी है, क्या उसके अंदर हुआ था और क्या अब ऑर्डर आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में अगर आपका ब्रोकर भी इस प्रकार से उड़ जाता है तो आपको क्या सावधानियां रखने वाली हैं, तो बहुत लर्निंग वाला वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो इसको जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वीडियो को यहाँ पे पार्ट्स के अंदर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कब हुआ था और किस प्रकार से कारवी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसने ये स्कैम किया, फिर वहां से अब तक की कहानी क्या क्या हो गई और अब फाइनल ऑर्डर क्या है, और साथ में अब ऐसा कोई ब्रोकर करता है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चार पार्ट में वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो स्टोरी है वो कारवी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की है और उसके इसने एक स्कैम किया था। ये 2017 की बात है, 2017 के अंदर से ही वो सारी चीजें शुरू कर दी गई थी कारवी जो ब्रोकिंग फाइनेंस कंपनी है। आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि कारवी कंपनी है वो यहाँ पे सिर्फ ये कारवी एक कंपनी नहीं है, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एक है, दूसरा के फिनटेक कारवी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी एक है जो यहाँ पे आईपीओ आते हैं उनके अंदर लिस्टिंग के अंदर रजिस्ट्रार के जैसे काम करते हैं वो एकदम सही कंपनी है, कारवी के नाम से ही है वो, कारवी जो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से है वो के फिनटेक, ठीक है। फिर यहाँ पे इस कारवी की ही कुछ सब्सिडरी कंपनी है जैसे कि जो कारवी रियलिटी है और कारवी कैपिटल है वो भी इसी की कंपनियां हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के क्या काम किया, कारवी फिनटेक ने नहीं किया है, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग ने और इसकी दो सब्सिडरी कंपनी कारवी कैपिटल और कारवी एक है कारवी की सब्सिडरी, एक और है नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी आ जाएगा नाम। तो वो दो तीन कंपनियां हैं, वो दोनों तीनों ने मिलकर ये काम किया। 2017 की बात करें तो यहां पे ये कांड शुरू हुआ, लेकिन 2019 के अंदर सब चीजों का पता लगा। क्या लगा कि 2019 में पता लगा कि इनके अंडर में जो कारवी स्टॉक ब्रोकिंग है इनके क्लाइंट्स का फंड है करीबन 2300 करोड़ रुपए, वो इनकी दो सब्सिडरी कंपनी है उनके अकाउंट्स में या उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जब ये सब चीज पता लगी तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया, एक्सचेंज ने क्या किया, 2020 में केस हुआ और 2020 में कारवी स्टॉक ब्रोकिंग का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। अब बहुत सारे क्लाइंट्स थे वो इसके अंदर फंस गए, बहुत सारे क्लाइंट्स थे उनके सौदे फंस गए, साथ में उनके जो फंड था उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, वो नहीं मिला, एकदम बैंकक्रप्ट हो गई एक तरीके से। लेकिन वहाँ पे एक्सचेंज और सेबी है वो एक्शन में आया और उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या हुआ था, ये जो आपको बताया कि इन्होंने एक सब्सिडरी को ट्रांसफ़र कर दिया था पैसा और इन क्लाइंट्स के जो पैसे थे स्टॉक्स थे उनके साथ में छेड़खानी की थी, तो ये सारी चीज़ें की गई और वो सब चीज़ें अब जब एक्सचेंज को और सेबी को पता लगा तो सेबी ने जांच भी की और जांच करने के बाद में एक तो उनका लाइसेंस रद्द किया, साथ में कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने जांच कर रहा था इतने सालों से, ठीक है। तो उसने अब एक रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो मैं आपका इनका लास्ट का जो डिसीजन है सेबी का वो बता देता हूँ। सेबी का लास्ट का डिसीजन ये आया है कि जो एस के मोहंती साहब हैं जो सेबी के होल टाइम मेंबर हैं उन्होंने क्या कहा है, उनका मानना यह है आई फाउंड द रॉन्ग डूइंग वाज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, इट वाज बीइंग कमिटेड रिपीटेडली ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। इनका यह कहना है कि कारवी जो यहां पे कारवी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसके अंदर एक बार गलती नहीं हुई है, एक बार की गलती नहीं है, इन्होंने देखा है कि बार बार कंटिन्यूअस बेसिस पे ये सब कांड किए गए हैं कारवी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसके अंदर। तो उन्होंने अब एक डिसीजन भी जारी किया है, 88 पेज का ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर में कहा है कि जो यहाँ पे कारवी फिनटेक के भगवान दास नारंग हैं डायरेक्टर्स थे ये, एक दूसरे हैं ज्योति प्रसाद और तीसरे हैं पार्थ सारथी जी, उनको यहाँ पे होल्डिंग डायरेक्टरशिप्स के पद से हटा दिया गया है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। और राजीव रंजन सिंह अनौदर डायरेक्टर एक हैं, इनको भी एक क्वेश्चन मतलब दिया गया है कि आगे इसके अंदर इस प्रकार की गलती ना हो। ये सारी चीज़ें अब डायरेक्टर्स हैं या कंपनी है जो कारवी स्टॉक ब्रोकिंग है उन्होंने गिल्टी मानी है, उन्होंने माना है कि जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनका उन्होंने मल्टीपल्स टाइम है यहाँ पे उनको ब्रेक किया है, साथ में सेबी एक्ट का ब्रेक किया है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलैंड ट्रेड प्रैक्टिस
इसका भी एक जो है उन्होंने ब्रेक किया है। तो सारी चीजों की उन्होंने गलती मानी है और ये ऑर्डर जारी किया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जब बहुत सारे क्लाइंट्स का पैसा अटक गया, बहुत सारे क्लाइंट्स का यहाँ पे सिक्योरिटीज अटक गई, उनके इन्वेस्टमेंट अटक गए, तो उनका क्या हुआ होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया लेकिन उनका जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो सीधा सीधा इनके ऊपर केस किया गया था, क्लाइंट्स के द्वारा भी किया गया और सेबी ने सीधा भी एक्शन ले लिया। तो क्लाइंट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे रिटेल क्लाइंट थे, उनको तो यहाँ पे क्या किया गया था कि एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है जो कि यहाँ पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, उनके द्वारा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर जो पैसा होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर, उसके द्वारा इनके कई जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा दिया गया, लेकिन उसमें 10 लाख रुपए तक की ही लिमिट होती है कि 10 लाख रुपए तक का ही पेमेंट किया जा सकता है आपका, चाहे 50 लाख रुपए उठ जाए उसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे भी कई क्लाइंट्स का पैसा मतलब दिया गया था और कई का नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पे केस के अंदर ये चीज निकल के आई है कि क्लाइंट्स का पैसा देना पड़ेगा। और सेबी के यहाँ पे जो जारी किए गए आदेश में है ये कहा गया है कि जो एमडी है उनको दोषी ठहराया गया है और जो 13 करोड़ रुपए का कार्वी के ऊपर यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। ये तो सिर्फ जुर्माना है, पेनल्टी है, जो उन्होंने हेराफेरी की है जो फंड के साथ में, वो तो उनको देना ही पड़ेगा, वो तो मैं अभी डिटेल बताऊंगा, लेकिन पेनल्टी है 13 करोड़ की, साथ में कार्वी के स्टॉक ब्रोकिंग के एमडी पार्थ सारथी जी पर 8 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और यहाँ पे कार्वी फिनटेक है उसको, सॉरी कार्वी जो स्टॉक ब्रोकिंग है और साथ में पार्थ सारथी को है, दोनों को यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर 7 साल के लिए बैन कर दिया गया है, वो 7 साल तक काम नहीं कर पाएंगे। साथ में जो कार्वी की एसोसिएट कंपनी थी, जो कार्वी रियलिटी है और कार्वी कैपिटल है, उनको यहाँ पे 1442 करोड़ रुपए है वो जो क्लाइंट्स का पैसा था उसको लौटाना पड़ेगा, जो कि 2300 करोड़ रुपए करीबन उन्होंने घपला किया था वहाँ पे, वहाँ से 2300 करोड़ रुपए में से कुछ इनके पेमेंट हो चुके थे, कुछ को इन्होंने खुद ने, क्योंकि सेबी का ऑर्डर था और एक्सचेंज का ऑर्डर आ गया था, गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन में आ गई थी, तो इस दबाव में आकर के इन्होंने पेमेंट किया था कार्वी वालों ने। तो अब फिर भी 1442 करोड़ रुपए है वो फंसा हुआ था इनके पास में। तो इनको कहा है कि कार्वी रियलिटी और कार्वी कैपिटल इनके पास गया हुआ था ये पैसा, इनको मतलब एक तरीके से छुपके छुपके ये ट्रांसफर कर रहा था। तो इनको कहा है कि इन दोनों कंपनियां हैं 1442 करोड़ रुपए क्लाइंट का पैसा देंगी 3 महीने के अंदर, और अगर 3 महीने में नहीं देती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको कहा गया है कि इन दोनों कंपनियों को अपने कंट्रोल में लेगा एनएसई। तो ये कंपनियां भी एनएसई के कंट्रोल में आ सकती हैं अगर पेमेंट नहीं होगा तो। अब आपको बताना चाहता हूं मैं, ये सब चीजें तो हो गई हैं, ये सब चीजें पहले मतलब किस प्रकार से मतलब ब्रोकर उड़ गया, उसने क्लाइंट्स के फंड के साथ में किस प्रकार का काम किया, वो सारी चीजें मैंने बताई। और फिर यहाँ पे अब जो ऑर्डर्स आए हैं वो सब चीजें मैंने बताई कि उनको किस प्रकार से पेमेंट होगा, पार्शियल पेमेंट ही हो लेकिन होगा जरूर। और यहाँ पे 2300 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया था वो, और क्या इनके ऊपर पेनल्टी लगी है वो बताया, और क्लाइंट्स का पैसा धीरे धीरे अब पूरा चुकता हो जाएगा, ये सब चीजें हो गई है। लेकिन मान लो आपके 5 साल तक पैसा अटक गया और 5 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, हालांकि ये तो गनीमत मानिए कि जो इंडिया का रेगुलेटर है वो बहुत बेहतरीन टॉप क्लास का रेगुलेटर है और वो अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हर एक प्रकार के जो भी उनको लगता है कि इस चीज़ के अंदर फ्रॉड हो सकता है, इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टर्स हैं जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो उनके लिए हर नियम कानून बना रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके साथ मान लो कि आपको ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। तो आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना है और दूसरी चीज़ सेबी की वेबसाइट पे जाना है और उस ब्रोकर के खिलाफ तुरंत शिकायत कर देनी है। चाहे आपके उड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फंड्स में चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपको पाई जाती है तो आपको करना है। दूसरा काम है, आपको यहाँ पे हर 7 दिन पे या हर 30 दिन पे तो आपको अपने फंड्स को भी देखना है, साथ में आपका जो पैसा पड़ा है उसमें वो देखना है, और सिक्योरिटीज के साथ में कोई छेड़खानी तो, आपके स्टॉक्स के साथ में कोई छेड़खानी तो नहीं की वो भी देखना है, और कम से कम 2 स्टॉक ब्रोकर के साथ में यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट का जो ब्रोकर है वो आपका अलग हो और यहाँ पे जो आप स्विंग ट्रेडिंग या जो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, वो अलग अकाउंट होना चाहिए, ताकि कम से कम आपका पैसा तो 2 ब्रोकर के साथ में डिवाइड रहे। एक ब्रोकर कुछ गड़बड़ भी करता है, हालांकि पैसा अब आ जाएगा क्योंकि बहुत सिक्योर चीज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे एक नियम और लेकर आ रहे हैं, सेबी ने भी कहा है कि अगर आपका पैसा अनयूज्ड पैसा क्लाइंट का किसी भी ब्रोकर के पास में है तो वो हर दिन रात में सेटल होते ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास चला जाएगा, तो ब्रोकर के पास पैसा ही नहीं रहेगा फ्री वाला।
और स्टॉक्स का जो पैसा रहेगा वो जो स्टॉक्स में लगा हुआ है वो रहेगा आपके CDSL या NSDL के पास में, तो छेड़खानी होने के चांसेस बहुत कम है। अब क्लाइंट्स के पैसे का भी यहाँ पे मिसयूज करने का बहुत कम चांस है, तो ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन फिर भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी तो होती ही है ना, तो ये सब चीज़ें करनी है। दो ब्रोकर के पास कम से कम अकाउंट होना चाहिए आपका। मैंने आपको बताया किस प्रकार से हो सकता है, आप किसी भी प्रकार के ब्रोकर के अंडर में ओपन कर सकते हो। साथ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको यहाँ पे तुरंत सेबी के पास में शिकायत करनी है, NSE या BSE की वेबसाइट पे जाकर के शिकायत करनी है, और यहाँ पे अगर आपके फंड में या सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई गड़बड़ हो पाई जाती है तो ये सिर्फ वो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो गड़बड़ हुई है वो आपको सुरक्षित लगे या बहुत कम गड़बड़ हुई हो। आपको ये सोचना चाहिए कि ये गड़बड़ छोटी हुई है आज, लेकिन वो बाद में बड़ी भी कर सकते हैं, वो आपके साथ छोटी हुई है पता नहीं किसी के साथ में बड़ी भी कर सकते हैं वो बाद में जाकर के, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप किसी भी मतलब ब्रोकर के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कारवी ने किस प्रकार से काम किया, कांड किया, स्कैम किया, और फिर यहाँ पे सेबी ने किस प्रकार से उसको जूते मार करके सीधा किया, ये भी आपको समझ सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये केस स्टडी मैंने आपको समझाई और आपको यहाँ पे जानकारी भी दी कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो में जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट ये जो स्टॉक सपोर्ट रजिस्टर निकाल करके देने वाला कैलकुलेटर फ्री में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको अंदर जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स में आपका डीमैट अकाउंट एकदम फ्री में ओपन होगा, साथ में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी जीरो लगेगा लाइफ टाइम के लिए, तो आप किसी में भी जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।